आखिर माधुरी दीक्षित बनेंगी किसकी ऑन स्क्रीन मम्मी? क्या माधुरी दीक्षित हो गई हैं मम्मी बनने के लिए राजी? अगर आप भी ये सुनकर हो गए हैं कंफ्यूज तो घबराइए मत, ये बात रियल की नहीं बल्कि रील की हो रही है। वेल, आपको बता दें फिल्म एनिमल और बैड न्यूज से सुर्खियों में आने वाली तृप्ति दिमरी अब बनेंगी माधुरी दीक्षित की बेटी। वेल, रीसेंट रिपोर्ट हैज रिवील्ड दैट तृप्ति दिमरी एंड माधुरी दीक्षित विल बी सीन प्लेइंग द रोल ऑफ मदर एंड डॉटर इन सुरेश त्रिवेणी'स नेक्स्ट फिल्म। वेल, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म होगी अ मिक्स ऑफ कॉमेडी, एक्शन एंड थ्रिलर और अभी तक इस फिल्म का मेल लीड फाइनल नहीं हुआ है। Well, सुरेश त्रिवेणी पहले तुम्हारी सुलू और जलसा जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। A report also added that त्रिवेणी was keen on roping in माधुरी दीक्षित and तृप्ति दिमरी for his film. Also, the film is expected to begin shooting in the summer of 2025. Well, मदर डॉटर की इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस तो हैं काफी एक्साइटेड। तो वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अक्सर बड़े पर्दे पर मॉम्स के रोल्स निभाने से कतराती रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा में मोना सिंह बनी थी आमिर खान की मॉम, जो उम्र में आमिर खान से काफी छोटी हैं। तो वहीं फिल्म संजू में यस्टरडे एक्ट्रेस मनीषा कोइराला रणबीर कपूर की मॉम के रोल में नजर आई थी। वेल, अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि माधुरी दीक्षित और तृप्ति दिमरी की माँ बेटी की ये जोड़ी ऑडियंस को कितनी पसंद आती है। वेल, अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो तृप्ति दिमरी राजकुमार राव के साथ विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में आएंगी नजर, जो आलिया भट्ट की जिगरा के साथ होगी क्लैश, और फिर वो कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 3 में दिखेंगी, जिसमें उनके साथ विद्या बालन भी होंगी और साथ साथ माधुरी दीक्षित भी नजर आएंगी।